Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mousumi Gayan. I'm back with another video. Today I'm going to share with you this makeup look. Basically, this is Bengali festival Saptami makeover. So if you like the video, don't forget to subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon. So without wasting any more time, let's roll the intro. हेलो गाइस, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से मेरे स्किन केयर कर लिया और स्किन को भी प्रेप करूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBA का प्राइमर। ये जेल प्राइमर है तो ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और मैं रैंडमली बस ये करूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। तो फिर आप लोगों को पता ही है कि बंगाली में दुर्गा पूजा फेस्टिवल बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। सो रैंडमली जितना हो सके उतना ही मैं आप लोगों को बताऊँगी, बाकी आप देख के प्लीज़ समझ जाना। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ मेरे मेकअप को सेट करने के लिए। पहले मैंने कंसीलर अप्लाई किया ताकि मेरा आई शेडो जो है वो अच्छी तरीके से दिखे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का एक आई शेडो पैलेट से मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक ट्रांजिशन कलर, बहुत ही सुंदर से एक न्यूड ब्राउन कलर है, आप देख ही सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा एक शेड है, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर हो सके तो ये वाला पैलेट आप ज़रूर परचेस करना, क्योंकि इस पैलेट में जितना सारा शेड है बहुत ही हेल्पफुल है डेली लाइफ के लिए, बहुत ही स्टैंडर्ड एंड सोवर शेड है। वहाँ से ही मैं ये ऑफ वाइट कलर का जो आई शेडो है वो यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पर। आप देख सकते हो कि मैं जैसे यूज़ कर रही हूँ आपको वैसे ही यूज़ करना है, अगर सेम टू सेम आपको सेम लुक चाहिए तो। फिर से मैं सेम ब्राउन कलर पे चली गई एंड उसको अपने आउटर कॉर्नर में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा सा इनर कॉर्नर तक ले आ रही हूँ। फिर मैं एक मैजिक पैलेट से एक गोल्डन, एकदम बहुत ही अच्छा लाइट वाला गोल्डन कलर शिमर शेड यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं अपने पूरे आईज पर शिमर शेड नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर से अपने आईबॉल तक अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको बहुत ही कम अमाउंट में शिमर शेड यूज़ करना है। फिर उसके बाद सेम पैलेट से मैं ये बहुत ही सुंदर से एक पर्पल शेड है, बहुत ही सुंदर, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट शिमर शेड है ये। इसको मैं डैब 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 करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं ज़्यादा शिमर शेड नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा सा मतलब एक शेड आया है दोनों शेड मिलाकर। फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, मेबिलिन फिट मी 220 शेड नंबर है इसका, एंड इसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी कंसीलर अपनी सिर्फ आँखों के नीचे एंड फिर उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। बेसिकली ये बहुत ही लाइट मेकअप लुक है तो मैं ज़्यादा हेवी फुल कवरेज टाइप ऑफ बेस नहीं क्रिएट करूँगी। फिर उसके बाद मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये फेसेस कनाडा का कम्पैक्ट है एंड बहुत ही अच्छा है ये वाला पाउडर। बहुत अच्छे तरीके से इस पाउडर से मैं बेकिंग भी करती हूँ एंड अभी मैं बेकिंग ही कर रही हूँ क्योंकि नीचे मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी ताकि वो फॉल आउट ना हो, इसीलिए मैं ज़्यादा अमाउंट में पाउडर यूज़ किया। फिर सेम ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी आँखों के नीचे बस एक फ्लफी ब्रश से एंड सेम गोल्डन कलर का शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ मिडिल में, आप देख ही सकते हो कि मिडिल में और बहुत ही थिन एक लाइन लेकर। सेम वायलेट कलर का जो शेड है वो भी मैं सेम वैसे ही गोल्डन कलर शेड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही थिन लेयर कर रही हूँ, ज़्यादा चौड़ा मत करना। फिर ब्रश से अच्छे तरीके से उसको स्मच कर लिया। फिर मैं फेसेस कनाडा का काजल यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी। तो अगर आपको सेम आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है देखना है तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी ऐसा आईलाइनर कैसे पहनते हैं उसके ऊपर। फिर मैं शुगर का जो कॉन्ट्रोल दी फोर्स पैलेट है वहाँ से कॉन्ट्रोल शेड लेके कॉन्ट्रोल कर रही हूँ और अब सबको पता ही है कि कॉन्ट्रोल कैसे करना है। एंड अगर फुल डिटेल्स चाहिए तो फिर मेरा बहुत सारा वीडियो है मेकअप का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिवाना का ब्लशर यूज़ किया और हाइलाइटर शुगर कॉन्ट्रोल दी फोर्स पैलेट से मैंने ले लिया। यह मेरा लुक डन है, अभी अभी बस लिपस्टिक पहनना है और यहाँ पे मस्कारा है वो भी अभी लगाऊंगी। लैसेस मुझे बहुत मन था लैसेस लगाने का लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था उस दिन। या मेकअप लुक इज़ डन एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। अब आप लोग बताइए कैसा लगा।
गाइस आप लोगों को मेरी ये मेकओवर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। यस ये थोड़ा सा टफ है उन लोगों के लिए जिन लोगों को आईलाइनर ठीक से पहनना नहीं आता, लेकिन आप सिंपल आईलाइनर में भी बहुत अच्छे लगोगे इस वाले मेकअप लुक में। ये वाला मेकअप लुक हाउसवाइफ, कॉलेज गर्ल, टीनेजर्स हर कोई कर सकता है। बहुत ही एक सिंपल सा मेकअप है। मैं उतना ज्यादा कलरफुल आई शेडो नहीं यूज किया, बहुत ही आई सूदिंग आई शेडो यूज किया जो डस्की स्किन या फिर इंडियन स्किन या फिर फेयर स्किन कोई भी स्किन टोन में अच्छे तरीके से मैच हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। सो आई एम बैक सून विद अनदर वीडियो। नाउ फिलहाल मैं जाऊंगी इंस्टाग्राम में मेरा रील्स बनाने, मैं बहुत सारा रील्स बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय।